वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर इज चैप्टर 4 एंड चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर जो है वो भी आपका जो स्टेशनरी चार्ज है उससे रिलेटेड चैप्टर है। लास्ट चैप्टर स्टेशनरी चार्ज रिलेटेड जो आपका ये लास्ट चैप्टर है। देखो बेटा, कैपेसिटेंस को समझते हैं। कैपेसिटेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी सर्किट में हमें बहुत सारा चार्ज जो है वो एक साथ चाहिए। किसी भी मैकेनिकल जो आपकी जितनी भी मैकेनिकल फॉर एग्जांपल जैसे फैन है, ठीक है, मैकेनिकल कंडीशन में पहले क्या करते थे, जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास जो इंजन्स होते थे उनको स्टार्ट करने के लिए, हम जो मैकेनिकली जो इंजन है उनको स्टार्ट करने के लिए क्या करते थे, फिजिकली एक रोटेशन देते थे और उसके बाद वो इंजन क्या है, एक पर्टिकुलर जो रोटेशन है उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता। फिर क्या हुआ कि ऐसे बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनको स्टार्ट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें लगानी होगी। जैसे एक इंजन होता है उसमें कितनी एनर्जी लगती है स्टार्ट करने में, ठीक है। तो फिर बनाया गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है इसको समझते हैं। कैपेसिटेंस जो है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जैसे हमें बहुत सारा चार्ज चाहिए किसी पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान से समझना कि मुझे है ना 40 बकेट्स पानी के, यानी कि 40 के आसपास बाल्टियां पानी की एक साथ चाहिए, तो और कुछ माइक्रो सेकंड में चाहिए तुरंत। 40 पानी की जो बाल्टियां हैं मुझे एक साथ चाहिए कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, तो क्या करेंगे आप? बोलोगे सर कि अगर आपको इतना पानी कुछ माइक्रो सेकंड में चाहिए तो आप समर्सिबल जो है उनसे ले सकते हैं। नहीं बेटा, समर्सिबल कुछ माइक्रो सेकंड में क्या 40 जो बकेट्स हैं पानी के वो दे सकती है? नहीं। तो फिर क्या करें, सारी बकेट्स को पहले भर के रख लो और फिर जैसे ही आपको चाहिए एक साथ सारी जो बकेट्स है पानी की वो आप यूज में ले सकते हैं। बोलो नहीं क्या? तो इसी तरह से हमें बहुत सारा चार्ज चाहिए कुछ माइक्रो सेकंड में, तो क्या करें, हम उन चार्ज को स्टोर कर दें, होल्ड कर लें कहीं पे और फिर उनको जैसे ही चाहिए सर्किट में कहीं पर भी यूज लेना है कुछ माइक्रो सेकंड में तो वो प्रोवाइड करा देंगे। तो जो एबिलिटी है किसी भी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की, वो एबिलिटी जो है वही कहलाती है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। ये क्या करता है, इंसिडेंटली कुछ माइक्रो सेकंड के लिए बहुत सारा चार्ज दे देता है। आपने कैमरे का फ्लैश देखा, कैमरे का फ्लैश स्मॉल सी बैटरी से चलता है लेकिन वो जो फ्लैश है उसकी जो लाइटिंग है, लाइट कितनी जबरदस्त होती है, बोलो नहीं क्या? इसका मतलब वो लाइट अचानक से हमें कुछ माइक्रो सेकंड के लिए मिलती है, इसका मतलब वो बैटरी क्या है उसको होल्ड करके रखती चार्ज को, और जैसे हम कैमरे का फ्लैश क्लिक करते हैं तो इंसिडेंटली बहुत सारी आपको लाइट देती है, ठीक है। तो चार्जेस जो है उनको स्टोर करना जो एबिलिटी है कंडक्टर्स की चार्ज को स्टोर करके और इंसिडेंटली कुछ माइक्रो सेकंड में हमें चार्ज चाहिए उसको प्रोवाइड करवाना, वो है कैपेसिटेंस, ठीक है। जैसे फैन में लगा होता है कैपेसिटेंस क्या करता है, स्टार्टिंग में जैसे हम फैन को ऑन करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या करता है, जो उसके पास होल्ड चार्ज है वो सारा चार्ज उस जो आपके मोटर है फैन की जो मोटर है उसको प्रोवाइड करता है, जिससे वो मैकेनिकली क्या करती है, घूमने लगता है फैन। कई बार आपने देखा होगा कि नहीं घूमता है ना, और फिर हम कोई भी स्टिक लेके उसको घुमाते हैं तो फिर घूमने लग जाता है, इसका मतलब उसका कैपेसिटर खराब हो गया फैन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर क्या करता है, इंसिडेंटली सर्किट को बहुत सारा चार्ज कुछ माइक्रो सेकंड के लिए प्रोवाइड कराता है और वो क्या करता है, चार्ज को होल्ड करके रखता है, जैसी जरूरत होती है वो दे देता है, वही कैपेसिटर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और फिर इसको आगे हम एक्सप्लेन करें। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनको होल्ड करने की जो एबिलिटी है वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। द गिवन चार्ज टू अ कंडक्टर इंक्रीजेस
इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजिंग। तो जैसे चार्ज इंक्रीज होगा, तो हमने देखा कि किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज इंक्रीज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, दस वी कैन से दैट द चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स किसी भी कंडक्टर को हम लेट अस कंसीडर क्यों चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। इट मीन्स जो दिया गया चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल। क्लियर? सो प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सीवी, क्यू इज इक्वल टू सीवी एंड हेयर सी इज इलेक्ट्रिक सॉरी इज कॉन्स्टेंट और इस कोई बोलते हैं हम कैपेसिटेंस, सीज कैपेसिटेंस। तो भाई फॉर्मूला क्या हो जाए सी का, सी इज इक्वल टू क्यू बाय जी, अरे सॉरी सी इज इक्वल टू क्यू बाय जी। तो इसका अगर यूनिट देखें तो कूलम पर वोल्ट, क्लियर, या फिर हम बोल सकते हैं कूलम इनटू वोल्ट यूनिवर्स। क्लियर? इसकी यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। इसकी जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ आपको इतना समझना है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता क्या है, तो जो एबिलिटी है कंडक्टर की टू होल्ड द चार्ज वही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। और किसी भी कंडक्टर को चार्ज जितना देते हैं उसका पोटेंशियल उतना इंक्रीज होता है और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज। ठीक है, तो जैसे कि कांस्टेंट आ जाता है सी और सी कहलाता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जो वीडियो चल रहे हैं उनको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।